शैक्षणिक शुरू सत्र में विद्यार्थियों को 50% फीस कम करे अन्यथा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा युवा सेना ने दिया। चंद्रपुर जिले में हजारों सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्था होकर लाखों विद्यार्थी शिक्षा लेकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन पालियों को शिक्षित कर बड़ा करने की पालकों की उम्मीद रहते हुए कोरोना की महामारी में लॉकडाउन काल में छोटे बड़े व्यवसाय ठप हुए, जिससे गरीब और सर्वसामान्य पालकों की आर्थिक परिस्थिति दयनीय हुए, जिससे शिक्षण संस्थान की बड़ी फीस पालक नहीं दे सकते हैं। कुल फीस में से 50% फी में शिक्षण संस्थान ने ले, अन्यथा युवा सेना विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी, ऐसा इशारा युवा सेना उप जिला प्रमुख आलेख रटने ने उपविभागीय अधिकारी वरोरा इन्हें दिए निवेदन से दिया है। शिक्षा यह बाघिन का दूध है, शिक्षण के बगैर युवकों को कोई पर्याय नहीं। उन्होंने अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शिक्षा लेना यही एक उपाय है, तभी शैक्षणिक संस्थान ने आकारी कुल फीस में से 50% फीस कम कर विद्यार्थियों को शिक्षा का मार्ग खुला करा कर एक दिलासा दे। शिक्षा बाघिन का दूध है, उन्हें अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शिक्षा लेना यही एक उपाय है, फिर भी शैक्षणिक संस्थान ने आकारी कुल फीस में से 50% फीस कम कर विद्यार्थियों को शिक्षा का मार्ग खुला करा देकर एक दिलासा दिया जाए। जिले की शिक्षण संस्थाओं ने सामाजिक दायित्व संजोकर और विद्यार्थियों का हित ध्यान में लेकर 50% फीस कम करें, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा उप विभागीय अधिकारी वरोरा सुभाष शिंदे ने दिए निवेदन से दिया है। युवा सेना राज्य सचिव वरुण देसाई, युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य रूपेश दादा कदम, जिला विस्तारक नित्यानंद त्रिपाठी, युवा सेना जिला प्रमुख हर्षल शिंदे, इनके मार्गदर्शन में उप विभागीय अधिकारियों को निवेदन देकर किया गया। निवेदन देते समय युवा सेना उप जिला प्रमुख आलेख रट्टे, वरोरा तहसील संघटक शुभम टोरे, शहर प्रमुख राजू बीरिया, युवा सैनिक मनीष नंदनवार, अंकित वासेकर, करण इंदुलकर, राहुल भालेराव, ऋतिकेश मड़ावी, आर्यन हिवरे, आयुष मिलमिले और समस्त पालक उपस्थित थे।